गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। शिमला और मनाली में स्नो कौन से मंथ तक होती रहती है, ये भी स्नोफॉल के बारे में पूछ रहे हैं। फेब्रुआरी तक, कभी 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 कभार मार्च में भी स्नोफॉल मिल जाता है आपको मनाली एंड शिमला में। फेब में मिल जाएगा, जब तू वहाँ पर जाएगा तो आपने मुँह पर बर्फ घिस कर डाल, ये सब अच्छा नहीं है। 40 कमेंट दिखा रहा है, बाकी कहाँ प्रीवियस 31 कमेंट देखते हैं। फेब्रुअरी लास्ट तक आपको मिल जाएगा, नॉर्मली मार्च मिड, बट दिस ईयर स्नोफॉल इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। फेब्रुअरी मिड लास्ट स्नो, फेब्रुअरी मिड में लास्ट स्नो। अगर आपको देखना है स्नोफॉल गाइज तो आप शिमला और मनाली फेब्रुअरी में जा सकते हैं। ये कोई मुस्लिम है, आप लोग चल रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर जाओ। अप्रैल लास्ट तक और कभी कभी बंद भी नहीं होती है। कोई सेल्फ ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम पूछ रही है, ओनली टिल फेवर नो प्रॉब्लम सेल्फ ड्राइविंग, थैंक्स ब्रो। सेल्फ ड्राइविंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जाम बहुत लगता है गाड़ियों की जगह जगह में। फेब्रुअरी एंड तक, मार्च में, जून तक, मार्च अप्रैल, नॉर्थ पोर्टल और टर्न टनल, ये सब है ट्रैवल पोर्टल। मार्च मिड मार्च माउंटेन्स मनाली शिमला मनाली छोड़ दो, सरज में अप्रैल तक गिरती है, अक्टूबर तक, फरवरी तक, कभी कभार मार्च में भी। आज तो वहाँ पर जा तो गाइज, यहाँ जो कमेंट पढ़ने का पता चला, शिमला और मनाली में स्नो कौन सा मंथ तक होती रहती है, तो फरवरी तक होता है। तो फरवरी तक आप प्लान बना सकते हैं मनाली में जाके, सोलांग वैली में आपको स्नो में भी स्नोफॉल भी आपको दिख सकता है फेब्रुअरी तक। उसके बाद कोई बोल रहा है हाँ, कोई बोल रहा नहीं, वो आप उनके हिसाब से, वो तो भगवान के हाथ में है, वेदर के हाथ में है, पता नहीं सकते। थैंक यू। शिमला में बर्फ कब तक पड़ेगी या फिर कब पड़ेगी, हमको जाना है आज और जाना है। शिमला में बर्फ कब पड़ेगी, जाना है हमें, ये कोई पूछा है। तो शिमला में कब 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 तक बर्फ़ पड़ेगी, चलिए देखते हैं कमेंट में सब क्या लिखे हैं। 233 कमेंट है, यह तो वही सब प्रमोशन है। 12-13 जान को, हाँ तो हाँ वो तो बाद जनवरी में तो गिर बर्फ़ मिलता ही है। मैं तो बर्फ़ में पड़ा हूँ, शिमला बस स्टैंड पर निकल जाओ है, ये है जनवरी का बात है। जनवरी में बर्फ़ रहता है उधर, वहाँ तो स्नो पड़ती है, बर्फ़ तो मैं रोज़ पड़ती है डेली 8 बजे के बाद हिस्की क्लास में। प्रेडिक्शन ऑन ट्रथ जान, जनवरी फरवरी में पल पड़ता है, इसे मैं जा रहा हूँ शिमला, देखते हैं कैसे कब गिरा है। मैं जनवरी फरवरी 18 में जा रहा हूँ, वहाँ रहूँगा मैं, देखता हूँ मैं डायरेक्ट फिर लाइव से ना वहाँ से कर दूँगा 13 को, ये जनवरी के बाद सोबर है 15 जनवरी शायद। इसका ये स्नोफॉल कब कब होगा, ये कोई लेट बता रहा है। भाई 15 के बाद पड़ेगी मई में, ये कोई लिखा मई में, पता नहीं मई में गिरता है कि नहीं। जब जी चाहे आ जाना, बर्फ गिरा देंगे। मनाली में पड़ रही है, मनाली में तो गिरता ही रहता है, देखते हैं। फरवरी में मैं जा रहा हूँ, मनाली भी जाऊँगा शिमला भी जाऊँगा, वहाँ होगा कि नहीं देखते हैं। मैं डायरेक्ट लाइव हूँ, बारिश का इंतज़ार करो जून में, ये गलत है। प
पता नहीं लिखा हुआ है, मई जून में ये बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हिमाचली कोई बोल रहा है तो हो सकता है। 12 और 13 जन को ब्रदराज वेदर भी फोरकास्ट अभी बहुत है। बर्फ साथ में ले जाओ, पड़ रही है, मत जाना अभी, बर्फ नहीं है वहाँ। ये कोई बोला नहीं है, मैं आज ही मनाली से शिमला आया हूँ, पता नहीं। लगभग मार्च तक कुछ बर्फ रहता है, लेकिन स्नोफॉल जो है जनवरी में पड़ता है। ये सब शिमला का ये हैं, इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसे। जस्ट अभी पढ़ रही है, जनवरी में पढ़ रहा था। थैंक यू गाइस।